अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर जरा और आप देख रहे हैं ZAQ फिजियो एंड रिहैब। मेरा नाम जरार अहमद है, मैं DPT लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। अब तक जितना नॉलेज मैंने गेन किया, मैंने सोचा कि मैं YouTube प्लेटफॉर्म पर शेयर करूँ। तो आज सबसे पहले हम ट्रेपीजियस मसल की स्ट्रेचिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बताना चाहता हूँ, उसकी ओरिजिन इंसर्शन, उसकी फंक्शनिंग और उसकी इम्पोर्टेंस। इसकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस नेक में है, क्योंकि ये नेक को सपोर्ट देता है, उसकी एक्सटेंशन करवाता है और उसके साथ साथ ये स्पाइनस प्रोसेस को भी अटैच होता है। ट्रेपीजियस के तीन फाइबर्स हैं, अपर फाइबर्स, मिडल फाइबर्स और लोअर फाइबर्स। अपर फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस से, इसको पैल्पेट भी किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे चलते हैं जो C1-C6 तक स्पाइनस प्रोसेस से ओरिजिनेट होते हैं और लेटर थर्ड ऑफ द क्लेविकल पे इंसर्ट होते हैं। उसके बाद आते हैं मिडल फाइबर्स। मिडल फाइबर्स T3 तक होते हैं, यानी कि C7 से T3 से ओरिजिनेट होते हैं और ये एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला पे इंसर्ट होते हैं, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसको भी पैल्पेट किया जा सकता है, फील किया जा सकता है ऑब्वियसली। उसके बाद T4 से T12 के स्पाइनस प्रोसेस तक ये ट्रेपीजियस मसल जाता है और ये इंसर्ट होता है मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुलर स्पाइन। अब आते हैं इसके फंक्शन पे। इसके फंक्शन सबसे पहले ये नेक की एक्सटेंशन करवाता है, नेक की एक्सटेंशन में हेल्पफुल है, सबसे ज्यादा कॉमन है। और शोल्डर की डिप्रेशन, शोल्डर को डिप्रेस करता है, रिट्रैक्शन करवाता है स्कैपुला की, ये इसके मेजर फंक्शन है। अब हम ट्रैप्स की स्ट्रेचिंग पे आते हैं। सबसे पहले हम इसके अपर फाइबर्स का स्ट्रेच देंगे। पेशेंट के जिस साइड पे मसल को स्ट्रेच देना है, उस साइड का बाजू हम इसको नीचे फ्री कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि ऊपर यहां से हम इफेक्ट करेंगे और नीचे से ग्रेविटी इफेक्ट करेगी। सिंपल इस तरह हमने पेशेंट को ये स्ट्रेच देना, ये अपर फाइबर्स का स्ट्रेच है। ये इसके मिडिल फाइबर्स का स्ट्रेच है, लेकिन ये बोथ साइड्स पे आएगा। जब हमने किसी एक साइड को फोकस करना हो तो उस फोकस के लिए हम उस तरफ उसका थोड़ा सा फेस टिल्ट कर देंगे। जब हम इस तरह टिल्ट करेंगे, उसके बाद जब हम उसको स्ट्रेच देंगे तो पेशेंट को बिल्कुल मिडिल ट्रैप पे फील होगा ये स्ट्रेच। जितना हम मैक्सिमम स्ट्रेच दे सकते हैं उतना उसके लिए हेल्पफुल होगा, लेकिन उसकी रोम्स हमने जरूर देखनी है पहले, ये ना हो कि हम उसकी बियॉन्ड द रेंज चले जाएं और उसको कोई इंजरी हो जाए। अब हम देंगे लोअर ट्रैप्स का स्ट्रेच। जिस साइड पे हमने स्ट्रेच देना है उसी तरफ टिल्ट किया, पेशेंट को ट्रैप्स का स्ट्रेच दिया, लेकिन चूंकि ये नीचे T12 तक जाता है तो हम इससे अपने थिनार हाइपोथिनार एमिनल से असिस्टेंस देंगे और इसके साथ साथ हम यू नीचे की तरफ स्ट्रेच देंगे। अभी ये ग्लव्स मुझे तंग कर रहा है तो मैं इसको रिमूव करता हूं, यहां से ऐसे। तो ये थी ट्रेपीजियस की स्ट्रेचिंग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, इस वीडियो को लाइक करें और अगर इस वीडियो से मुतालिक कुछ सवालात हैं आपके दिल में या मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में ट्रिगर पॉइंट रिलीज के साथ आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।